सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई SJVN को लेकर। SJVN में आप लोग देखोगे भाई, आज हमें 1 से 1.5% के करीब अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक 141.15 रुपये के भाव में है और 13.9 मिलियन यानी कि 1,39,00,000 के आसपास की हमें वॉल्यूम भी देखने को मिली है। आज का जो दिन है वो SJVN के जो निवेशक है, शेयर होल्डर्स है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खास रहने वाला, बिकॉज स्टॉक आज हमें जो है एक जबरदस्त अप डाउन का मूव देते हुए आ सकता है। ठीक है, आप लोग जो न्यूज है वो मार्केट टाइम में आई, यानी कि मार्केट क्लोजिंग होने से पहले आ गई, तो यहां पर आज आपको बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अगर आई मार्केट क्लोजिंग के बाद वो न्यूज, तो कल आपको बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर। तो खबर क्या, अभी आप सभी को पता होगा, अभी आज आने कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स, और कंपनी आपको देने जा रही है फाइनल डिविडेंड भी। ठीक है, Q4 के रिजल्ट्स आएंगे, फाइनल डिविडेंड भी देगी। अब तक आप लोग रिजल्ट्स नहीं आए हैं, बहुत से निवेशकों के कमेंट आ रहे हैं कि रिजल्ट डाल दो। भाई देखो, रिजल्ट आएंगे ही नहीं तो डालेंगे कहाँ से। जैसे ही रिजल्ट्स आ जाएंगे, सबसे पहले चैनल पर अपडेट आपको मिल जाएगी। रिजल्ट्स को लेकर परेशान नहीं होना, जैसे रिजल्ट आएंगे सबसे पहले डाल देंगे भाई। ठीक है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। और इसमें हमें स्ट्रेटजी क्या बनानी है भी रिजल्ट से पहले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, हम दोनों तरफ लेके चलेंगे। अगर मान के चलिए रिजल्ट खराब आते हैं या फिर रिजल्ट सही आते हैं, अगर खराब आए तो स्टॉक नीचे आएगा, टूटेगा, तो उस कंडीशन में हम टाइम रहते स्टॉक से एग्जिट हो जाए। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो उस कंडीशन में स्टॉक में एक अच्छी रैली बनेगी, और उस रैली से पहले आप लोग जो है बेचना ना पसंद करोगे और रिग्रेट फील करोगे अगर पहले बेच दिया तो। भाई मान लीजिए रिजल्ट अच्छे आ गए और कल को स्टॉक में एक अच्छी रैली बन जाती है रिजल्ट्स के कारण, तो वो वहाँ पर एक रिग्रेट फील करना हमें ही पड़ेगा और कोई नहीं आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं सबसे पहले इसका चार्ट, जहाँ पर बनाते हैं स्ट्रैटेजी भी आगे क्या करना चाहिए, और यहाँ पर अगर आपकी होल्डिंग है तो होल्ड करना स्टॉक को सही रहेगा। तो चलिए देख लेते भी लेवल फिर। तो यहाँ पर आप लोग देखो, स्टॉक में अभी पीछे एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली है, एक जबरदस्त रैली आई थी ना स्टॉक में, लेकिन उस रैली के बाद आप लोग देखो 144-150 के जो टारगेट थे रिजल्ट से पहले वो देखने को मिले, लेकिन रिजल्ट से पहले ही स्टॉक में ऊपर से हमें गिरावट भी देखने को मिली। भी 150 से अभी टाइम जो स्टॉक 140 के आसपास जो अभी कंसोलिडेट किया हुआ है, तो इस लेवल के ऊपर जो सपोर्ट बन रहा है वो 135 का, जी 135 का नीचे में सपोर्ट है। और टारगेट के ऊपर में बात है तो ये स्टॉक आपको 144 इस लेवल को ब्रेक करके अगर सस्टेन करेगा तो 150 से 160 ये टारगेट आ सकते हैं रिजल्ट के बाद। तो रिजल्ट आप लोग देखोगे आज अभी वो मार्केट टाइम में आ जाए, बहुत अच्छी बात है, चांस इसके रहेंगे भी मार्केट क्लोजिंग के बाद, लेकिन उससे पहले अगर आते हैं तो आप लोगों को जरूर बताएंगे, ताकि आप लोग टाइम रहते यहाँ पर जो ना भी अपने पोजिशन वगैरह बना सको। अगर आपकी होल्डिंग है तो सपोर्ट रहेगा नीचे में 135, अगर फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो अभी के टाइम तो 139.75 रुपये का नीचे में सपोर्ट रहेगा। तो आपको जो बेटर लगे उस हिसाब से चलिए भाई। और रही बात टारगेट के ऊपर में, 144.50 ये टारगेट आ सकते हैं रिजल्ट अच्छा है उस कंडीशन में। ठीक है, तो ये इसके अलावा रहेंगे। इसके अलावा और कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि स्टॉक रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे बिल्कुल ना मिस हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।